प्रधानमंत्री जी आज शायद किसी विवाह में शामिल हों, उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं होगी, अब क्या कर सकते हैं। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार डेढ़ महीने में, एक महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब एक महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया, उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई, हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली है, और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली।